फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है शादी से पहले सात बातों का ध्यान रखें वरना पछताना पड़ सकता है। हाँ दोस्तों, शादी जो है लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट फैसला होता है। तो शादी फिक्स होने से लेके शादी होने तक भी आपको किन सात बातों का ध्यान रखना है, आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि शादी हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। तो सामाजिक, आर्थिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी कहें, मन की शांति के लिए या खुशहाली के लिए भी शादी हमारे लिए यूजफुल है, ज़रूरी है। लेकिन आज जो है लड़कियों की स्थिति सुधर गई है। आज जो है लड़कियां सामाजिक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं, तो उन्हें अब भावनात्मक रूप से और शारीरिक रूप से शादी की ज़रूरत होती है। तो शादी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शादी करने से, ऐसा कहा जाता है कि शादी का लड्डू एक ऐसा लड्डू है जो खाने से भी लोग पछताते हैं और ना जो ना खाए वो भी पछता है। तो ऐसी बात नहीं है। जो खाते हैं, कोई कोई युगल जोड़ी, शादी का कपल जोड़ी इतना अच्छा वो लोग रहते हैं कि देख कर लगता है काश हमें भी ऐसा जीवन साथी मिल जाता। तो शादी एक बहुत ही खूबसूरत जीवन का फैसला है, कुदरत की देन है, या यूँ कहें समाज की देन है। इससे ही सृष्टि का निर्माण होता है, परिवार बनता है। तो शादी बहुत ज़रूरी है। अब है शरीर की याददाश्त का भाव जो है वो बहुत प्रबल होता है, भौतिक शरीर प्रबल होता है, इसलिए ज़्यादा लाइफ पार्टनर हम बदल नहीं सकते हैं। तो इसलिए एक ही पर्सन से एक अच्छा जीवन साथी अगर मिल जाए, लाइफ पार्टनर, तो लाइफ को जीना बहुत आसान हो जाता है, बहुत सुकून भरी ज़िंदगी होती है। और ज़िंदगी में कुछ पाने की चाहत ही नहीं रहती है जब प्यार मिल जाता है। प्यार सुनने में एक लफ्ज़ है, लेकिन जिसके जीवन में प्यार है वो उसका जीवन सफल है, उसके जीवन में सब कुछ है। अब मैं पॉइंट वाइज बात करूँगी कि शादी से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है लिमिट में बात करें। अगर आपकी शादी फिक्स हो गई है और देखा देखी भी हो गया है, आप लोग एक दूसरे को देख लिए हैं, फ़ोन नंबर शेयर हो गया है, फैमिली वाले भी, मतलब फिक्स से हो गई है शादी, तभी भी आपको लिमिट में बात करनी चाहिए। ज़्यादा क्लोज होके अपनी सारी बातें शेयर नहीं करनी चाहिए। कुछ सस्पेंस रखना चाहिए, कुछ बचा के रखना चाहिए। सारा प्यार फ़ोन पर ही नहीं उरेल देना चाहिए, कुछ बचा के भी रखना चाहिए शादी के बाद करने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो आपसे ऊब जाएं या आप उनसे ऊब जाओ। और कुछ उनके दिल को दुखने वाली बातें नहीं करना चाहिए। तो आपके बातें कैसी करनी चाहिए, तो आपके उनकी हॉबी जानना चाहिए, और वो शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं, कैसा खाना पसंद है उनको, कैसा पहनना, कैरियर में क्या करना चाहते हैं, परिवार के लोग कैसे हैं, उनके भाई बहन के बारे में पूछें। तो नॉर्मल बातें ये करें, बहुत गहरी बातें, गुप्त बातें अपने लाइफ के बारे में या अपनी फैमिली के बारे में नहीं बतानी चाहिए। जो बातें नहीं बतानी चाहिए वो नहीं बतानी चाहिए। तो इस बात का लिमिट में बात करें, थोड़ा सा इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। वीडियो न्यू यूथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशल गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए। गर्ल्स के लिए तो बहुत अच्छी अच्छी मैं बातें बताने वाली हूँ, तो वीडियो में ज़रूर बने रहना। तो सेकेंड पॉइंट से मर्यादा में रहें। अब शादी फिक्स हो गई है, इसके मतलब ये नहीं कि लड़के ने अगर डिस्को के लिए बुलाया, मूवी के लिए बुलाया, तो आप उनके साथ चले जाओ। नहीं, एकदम नहीं। आपको पेरेंट्स से परमिशन लेना चाहिए, उनको बता के जाना चाहिए या साथ में किसी को लेके जाना चाहिए। चाहे आप गर्ल्स आपकी दोस्त हैं, उनमें से कोई एक दोस्त जो सच्ची सहेली है, दोस्त है, उसे ले ले। तो इस तरह से आपको जाना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए। क्योंकि पहले के ज़माने में कहा जाता था कि दो जवां लोगों को, दिलों को नज़दीक नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, बहकने के चांस होते हैं, फिसलने के चांस होते हैं, इस तरह का कुछ अट्रैक्शन होता है, और ये होता है तो ये नेचुरल चीज़ें हैं, तो इसलिए दूर रखा जाता था। तो अगर आज छूट मिल रहा है तो आपके साथ आप बहक ना जाओ, इसलिए भी बीच में किसी को रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मर्यादा में रहें, इसके लिए अपनी सहेली को साथ में ज़रूर ले जाएं, और पेरेंट्स को बता के जाएं, मर्यादा में रहें। तो मर्यादा इसे ही कहते हैं कि उस चीज़ को आपको क्रॉस नहीं करना है।
पॉइंट है कि शादी फिक्स होने के बाद भी रिश्तेदारी में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग आपकी खुशी से ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, आपकी खुशी से वो दुख ज़्यादा हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और रिश्तेदारी में बढ़ा चढ़ा कर भी नहीं बताएं कि लड़का का ये है वो है, लड़का ये करता है, क्योंकि बाद में अगर कुछ बात हो जाए या शादी टूट जाए तो फिर जग हंसाई होती है। इसलिए भी रिश्तेदारी में भी सारी बातें नहीं बताना है। हाँ, जो बहुत क्लोज हैं उन्हें आप जो ट्रस्ट करने लायक हैं उन्हें बता सकती हैं, ऐसे नहीं बताना चाहिए। फोर पॉइंट्स है कि खाने की चीज़ें बड़ों को दे के खाएँ। जैसे रिश्तेदारी में कहीं से कोई भी मिठाई आती है, कोई खाने की चीज़ आती है, फल आता है, तो जो शादी जिनकी फिक्स हो आती है तो उन्हें ऐसा माना जाता है कि नज़र वगैरह लग जाता है, तो खाने की चीज़ें आप तुरंत से मुंह में ना डालें। नियम है कि बड़ों को दे के खाएँ, किसी को खिला के खाएँ, या चूल्हे पे आप जला के थोड़ा सा जला के तोड़ के तब खाएँ। तो इस तरह से आप बुरी शक्तियों से बच सकते हैं। बस ये नियम है, आपको माननी चाहिए, लेकिन बड़े बुजुर्ग जो नियम बता गए हैं उनको मान लेना चाहिए, मानने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से, फाइव पॉइंट से, मन की सुंदरता देखकर विवाह करें। तन की सुंदरता में आप उलझ ना जाएं, रीझ ना जाएं, मन की सुंदरता देखें, लड़के या लड़की का व्यवहार देखें, वो गरीबों के प्रति उनका क्या व्यवहार है, बुजुर्ग जो बड़े हैं उनके प्रति उनका क्या नेचर है, छोटों के प्रति क्या है। तो ये एक मुलाकात में अगर आपको टाइम मिलता है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि कुछ क्वेश्चन पूछ के आप पता कर लें। तो खूबसूरत अगर है, चरित्रहीन है लड़का या लड़की, और तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना होगा कि मन की सुंदरता को आप विशेष ध्यान दें। अगर सांवली भी है लड़की, नैनक से ठीक है और व्यवहार अच्छा है, तो आपको उसी से शादी करनी चाहिए। गर्ल्स अधिकतर क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागती हैं, कि या लड़के का इनकम बहुत ज़्यादा है, घर अच्छा है, तब मैं उसे शादी तुरंत कर लेती, ये नहीं देखती कि लड़के का नेचर कैसा है, चरित्र कैसा है, आपके अलावा भी किसी और से वो प्यार करता था या करेगा। तो चरित्र भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये शुरू में समझ में नहीं आता है। तो इस बात को, इस चीज़ को आप शादी से पहले ज़रूर ध्यान देना कि मन की सुंदरता, तन की सुंदरता भले ही कैसी हो, मन की सुंदरता, उसको उसका दिल साफ है कि नहीं, वो कैसा है, थोड़ा सा इस पर भी रिसर्च करना, थोड़ा सा अपना दिमाग ज़रूर लगा ना यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स पॉइंट है कि कॉम्प्लीमेंट दें। हाँ, जब एक दूसरे से आप मिलें, भले ही आपकी शादी फिक्स हो या ना हो, तो आप एक दूसरे को एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट दें कि आप बहुत खूबसूरत हो या बहुत अच्छे हो। और शादी में तराजू बराबर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लड़की बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, लड़का नहीं है, लड़का बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, लड़की नहीं है। हर चीज़ को देखना चाहिए, रंग हुआ, पढ़ाई स्टडी हुई, मतलब एजुकेशन हुआ, हर चीज़ का तराजू जो है वो बराबर होना चाहिए। और जैसे लड़की को खाना बनाने आता है तो लड़की को भी आना चाहिए, तो इन सभी बातों का भी आपको खास ध्यान रखना चाहिए। टेन पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि शादी में जब लड़के और लड़की को थोड़ा सा समय परिवार वाले देते हैं कि एक दूसरे को समझ लो, जान लो, तो उसमें क्या होता है कि कोई लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां जो पेरेंट्स कहती हैं उसे मान लेते हैं चुपचाप, तो ऐसा नहीं करना है कि आप अपनी तरफ से कुछ जाँच पड़ताल नहीं करें, दिमाग नहीं लगाएं, आपके जीवन का सवाल है, बहुत कुछ शर्माते हुए जो भी डिसीजन मान लेते हैं। और बहुत ऐसे लड़के लड़कियाँ हैं जो मतलब कि अपने लाइफ के बारे में नहीं सोचते हैं, और वो मौसम का हाल शर्माते हुए बताते हैं, मौसम अच्छा है, मौसम क्या बाहर में आपकी लाइफ की वाट पड़ी है। एक बार अगर शादी सही नहीं हो तो फिर बाद में बहुत परेशानी आती है, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि कितनी ज़्यादा अगर विचार ना मिले तो दो छत के नीचे भी अजनबी की तरह रहना पड़ता है, और बहुत सारी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, समझौता करना पड़ता है। तो अगर एक विचार, एक सोच के इंसान से शादी हो जाए तो लाइफ बहुत अच्छी होती है, खुशनुमा होती है। तो जिन जो कपल बहुत अच्छे से रहते हैं ना, उनसे भी एक बार बातें करें, अंडरस्टैंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि एक दूसरे को देख के ही हम समझ जाएं कि वो हमसे क्या चाहते हैं, क्या मांग रहे हैं, क्या उनकी ज़रूरत है। ऐसी शादी होनी चाहिए, ऐसे इंसान से शादी होना चाहिए, प्यार के साथ साथ समझ भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो। तो इसके लिए आपको कुछ क्वेश्चन पूछनी है। आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं कि क्या शादी के लिए तैयार हैं, बहुत प्यार से, ऐसा नहीं लगे कि अभी इंटरव्यू ले रही हैं, बहुत कंफर्ट में, मतलब कि बहुत आराम से, लड़के भी पूछें, लड़कियां भी, और उन्हें भी पूछने की पारी आपको देनी चाहिए कि क्या आप शादी के लिए तैयार हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछे कि आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं।
पसंद नापसंद पूछ लें, पहनावा क्या है ये भी पूछ लें, करियर प्लानिंग जान लें कि अगर लड़की को मान लीजिए डांस करना बहुत पसंद है और वो डांसर बनना चाहती है शादी के बाद भी, और आपके पेरेंट्स उस चीज़ को कोई और नाम दे दे जिससे कि आपकी वाइफ जो होगी उसे भी हर्ट होगा, उस लड़की को भी, और वो तो कहेगी मैंने तो पहले ही बता दिया था कि मैं डांसर बनना चाहती हूँ, तो फिर परिवार और फिर पत्नी में आप पिस जाओगे, बहुत परेशानी होगी। और शादीशुदा ज़िंदगी लाइफ खुशी क्या गम भी गम में बदल जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसलिए आप मतलब थोड़ा सा देख ले कि मेरे परिवार में वो लड़की सेट होगी कि नहीं, लड़की भी देख ले कि मैं उस लड़के के परिवार में सेट होंगे कि नहीं, मुझे वहाँ कैरियर बनाने दिया जाएगा या नहीं, और वहाँ मुझे घूंघट में रहना है कि सूट पहनना है, कैसे रहना है, तो परिवार के साथ रहेगी या अलग रहेगी, और लड़का लड़की अपनी क्वेश्चन करने के बाद उसे भी पूछने का मौका दें। तो इस तरह से आपको फर्स्ट मीटिंग में बातें करनी चाहिए, और शादी से पहले कोई बीमारी है या कोई चीज़ है तो वो भी शेयर करना चाहिए। झूठ की बुनियाद पर शादी नहीं होना चाहिए, तो बाद में रिश्ते टूटने का ऐसा नहीं है कि फिजिकल रिलेशनशिप में हम आ जाते हैं, बच्चे हो जाते, उसके बाद रिश्ता नहीं टूटता, रिश्ता टूट जाता है। और आजकल जितना जल्दी शादी होता है, चट मंगनी पट ब्याह होता है, उतना ही जल्दी तलाक भी हो जाता है। तो रिश्ता ऐसा होना चाहिए ना कि टूटे तो कभी ना टूटे। और बार बार कहते हैं ना कि भौतिक जो हमारी शरीर की याददाश्त जो होती है उसका भाव प्रबल होता है, तो एक के साथ अगर रिलेशनशिप में हम आ जाते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप बन जाता है, फिर अगर इंडियन गर्ल है या इंडिया के लड़के भी हैं तो फिर दूसरे के साथ संबंध बनाना बहुत दिक्कत होता है, उसकी याद जाती नहीं है, फिर सोचते मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, एक ही बार में मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर क्यों नहीं मिल गया। तो इसलिए एक ही बार में आपको अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, तो शादी में थोड़ा पेशेंस रखें और इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और शादी को लेकर कोई भी डाउट है तो कॉमेंट में ज़रूर करें। और आपको वीडियो के अंत में जय छठ माता की, जय छठी मैया कमेंट में ज़रूर लिखें। आप सभी को छठ की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और वीडियो लेट बनाने का कारण है कि मैं एक वीडियो अपलोड की थी तो सेम टाइटल डिस्क्रिप्शन होने के कारण कॉपीराइट क्लेम कुछ इस तरह का मेल आ गया तो मैं उसे डिलीट कर दी। दूसरा वीडियो मैं अपलोड करने वाली थी तो वो खुद से ही डिलीट हो गया, मुझसे ही डिलीट हो गया, अपलोड नहीं कर पाई, इसलिए लेट हो गया। अब छठ पूजा में मैं थोड़ा व्यस्त रहूँगी, इसके बाद मैं रेगुलर हो जाऊँगी। तब के लिए बाय बाय, टाटा, अपना ध्यान रखना, छठी मैया सबकी मुराद को पूरी करें। धन्यवाद।